फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी. आई एम सताक्षी एंड आई एम योर इंग्लिश फैकल्टी एट आई एग्जाम बी. एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टडी सम ऑफ द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड वील डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर ऑल योर गवर्नमेंट एग्जाम्स, बी देम बी दोज बैंकिंग, इंश्योरेंस और एनी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम. हर एग्जाम के लिए आपके लिए ये रूल्स ऑफ ग्रामर और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलिए, अब इससे पहले कि हम क्वेश्चंस में बढ़े, आज आपकी वर्कशॉप है, एक फ्री वर्कशॉप जो हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे सारी गवर्नमेंट इंश्योरेंस जॉब अपॉर्चुनिटीज जो आपके लिए लाइंड अप है इस साल. और अभी तक काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं. अगर आपने कुछ मिस कर दी है, डोंट वरी, अभी भी कुछ वैकेंसीज की डेट अभी ओपन है, आप उनको फिल कर सकते हैं. राइट, सो आज मंडे 15 जैन 8 PM हम आपको सब कुछ डिस्कस करेंगे आपसे इंश्योरेंस जॉब के बारे में. और इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिएगा और अपने आप को रजिस्टर कर. अब फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन क्रिकेट प्लेयर वॉज इंजर्ड हैविली वाइल द बॉलर थ्रू द बॉल स्ट्रेट ऑन हिज फेस बट ही क्लेम्ड इट टू बी एन एक्सीडेंट. अब वाइल और वेन में कोई फर्क होता है. वाइल बताता है ड्यूरिंग दिस टाइम और वेन बताता है एट दिस मोमेंट. तो वो एक्चुअली एक लंबी ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, उस पल जब बॉलर ने बॉल मारी तब जो है बैट्समैन इंजर हो गया था. ठीक है, सो एट दिस मोमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है. तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका गलत पार्ट है वो बी है, उसको हम आंसर मार्क करेंगे. नाउ मूविंग अहेड, यहाँ बोला है अ लार्ज नंबर ऑफ सिम कार्ड्स हैव नेवर बींग यूज. सो हैव नेवर बींग गलत है, बींग मतलब कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हो, पर ये पहले की बात बता रहे हैं कि हैव बीन यूज, been used and people stopped recharging them. ठीक है, तो ये पहले की बात है जो कि खत्म हो गई है, इसीलिए यहाँ पे परफेक्ट फॉर्म आएगा, been used आएगा, वो करेक्ट यूसेज है. आंसर आपका ऑप्शन बी होगा. नेक्स्ट पे चलते हैं, बिकॉज देर इज नो सपोर्ट बाई दी सोसाइटी टू एलिमिनेट द मोस्ट इनह्यूमन ऑफ प्रोफेशन मैनुअल स्कैवेंजिंग स्टिल परसिस्ट विच इज रियली सैडनिंग. आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को टेस्ट करने के लिए आप पूछते हैं व्हाट स्टिल परसिस्ट, व्हाट का आंसर दो. तो जब आप आंसर करेंगे आपको पता चलेगा मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो ये क्या है, सिंगुलर, तो इसीलिए हम यहाँ पे परसिस्ट यूज करेंगे, सी जो है वहां पे हमारा एरर है. आगे बढ़ते हैं, दिस सेज आई हैव रिसेंटली यूज द सर्विसेज ऑफ हिज ट्रैवल एजेंसी टू बुक अ क्रूज शिप फॉर अ फैमिली ट्रिप टू अटलांटा विच वॉज स्टार्टेड 2 decades बिफोर. अब जब हम बिफोर की बात करते हैं, सो बिफोर के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए एक्स, है ना, बिफोर टूडे, ठीक है, या बिफोर मार्च, इस तरह से. ठीक है, अब अगर आप कह रहे हो पहले तो आप लिखोगे अगो. ठीक है, सो यहां पर बिफोर गलत है, अगो होना चाहिए, डी इज द करेक्ट आंसर हियर. राइट, नेक्स्ट कह रहा है बांगा 63 वाज नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन इन लेट फेब्रुअरी एंड वाज द सोल कंटेंडर टू रिप्लेस डिपार्टिंग वर्ल्ड बैंक चीफ डेविड मॉलपास एंड इकोनॉमिस्ट एंड द फॉर्मर यूएस ट्रेजरी ऑफिशियल ड्यूरिंग द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन. अब यहाँ पे क्या है, हो सकता है आपको लगे कि कोई एरर नहीं है, पर अगर हम देखते हैं यहाँ पे कह रहा है एन इकोनॉमिस्ट एंड द फॉर्मर यूएस ट्रेजरी ऑफिशियल, तो मतलब जैसे ही हमें ये पता है जब सब्जेक्ट हमारा दो वर्ड्स या दो नाउन से ज्वाइन होता है और आप यहाँ सेकंड वाले से पहले अगर आप द लगा देते हो तो मतलब हम दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं, एक इंसान जो इकोनॉमिस्ट है, दूसरा इंसान जो फॉर्मर यूएस ट्रेजरी ऑफिशियल है. बट एक्चुअली यहाँ पे सेंटेंस में ये ट्रू नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन, यहाँ पे एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है. राइट, और वो इंसान कौन है, डेविड मॉलपास. तो यहाँ पर द यूज करना गलत है, ये हमारा एरर है, इसलिए हम डी को अपना आंसर मार्क करेंगे. फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ का लिंक दिया है जिसमें आपके पास ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए. राइट, सो उसको डाउनलोड कीजिए और जब भी आपको कन्वीनियंट लगे ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए. रूल्स ऑफ ग्रामर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे ही ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस को
को सॉल्व करने के लिए आपके एग्जाम में, राइट। दोबारा से याद दिला दूं फ्रेंड्स, आज हमारी वर्कशॉप है, उसके लिए रजिस्टर कीजिए, एब्सोल्युटली फ्री वर्कशॉप। आप अपने जो भी डाउट्स हैं फॉर्म्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, कैसे भरना है, एलिजिबिलिटी, जितने डाउट्स हैं, कब कौन सा फॉर्म निकलेगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वर्कशॉप में, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका रजिस्ट्रेशन का लिंक है। दिस इज ऑल फॉर द वीडियो फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू ऑलरेडी हैव नॉट, प्रेस द बेल आइकन टू कंटिन्यू रिसीव द अपडेट्स ऑफ द वीडियोज वी ब्रिंग फॉर यू।